एसोसिएशन मुल्तान में उपला के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उपला के मसाइलों के साथ साथ लिटिगेट के मसाइल भी हैं। लास्ट टाइम 2017 में बगैर किसी उपला के कंसेंट के, बगैर किसी लिटिगेट के कंसेंट के, जिला कचहरी के कोर्ट्स मुंतकिल कर दिए गए पार अवे कादरपुरा के नज़दीक। मुगला ने अपनी स्ट्रगल से और लिटिगेट की फैसिलिटेशन के लिए और आवाम की फैसिलिटेशन के लिए एक तहरीक चलाई। अल्लाह ताला ने वो कामयाबी हमें अता फरमाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वापस आ गए अपनी पुरानी जगह पर। अब इसका फैसला जो है ना वो उसकी एक्सटेंशन का। अब एक्सटेंशन के लिए मुगला जो है ना वो अरमान अख्तियार से रब्ता कर रहे हैं। अगर जो है ना पी टी आई की गवर्नमेंट हमें लिंग अराउंड करते जा रही है, हमें इससे ये उम्मीद नहीं। आज तक वजीर अला पंजाब गुलजार साहब ने रब्ता करने के बावजूद हमें टाइम नहीं दे रहे, हमारे मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। लास्ट टाइम ऑनरेबल जजेस ने, जिनमें सीनियर जज कासिम खान साहब भोपाल में तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक समरी भेजी है कि पुलिस लाइन में तकरीबन 80 रकबा खाली पड़ा हुआ है। वो आवाम की फैसिलिटेशन के लिए, वो उकला की फैसिलिटेशन के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ अटैच है, वो अगर दे दिया जाए, वहाँ पर कोर्ट बन सकती हैं, वहाँ पर उकला के चैम्बर बन सकते हैं। खसूसन एक्सकेडर कोर्ट जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो वापस आकर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दोबारा काम कर सकती हैं और हाई कोर्ट के नज़दीक तरीन ये जगह है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम अपील भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि ये उकला का फौरी मसला हल किया जाए। सो सिंपल, पुलिस लाइन की जगह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, किसी ब्यूरोक्रेट की कोई चीज़ नहीं है, ना किसी जन पुलिस की कोई चीज़ है। आई जी पंजाब ने लास्ट टाइम इसको रिव्यू किया था, हमने उसको रजिस्ट किया था और सी एम पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि ये आपका प्रोगेटिव है, आप सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो है ना इसको जिला की कचहरी में एक्सटेंशन के लिए अप्रूव कर सकते हैं। इससे पहले कमिश्नर ऑफिस भी किसी और डिपार्टमेंट का था और आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब साहब ने कमिश्नर ऑफिस वाली जगह वो जिला की कचहरी को दी। और इसमें एक और मसला भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो बैंक की ब्रांच वो जिला कचहरी की ब्रांच है, मगर उसको साजिश के तहत इस वक्त जिला कचहरी से काट कर उसको फ्रंट भी बाहर रोड की तरफ रख दिया गया है। हालांकि वो जिला कचहरी की ब्रांच है और सबका दौर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का फ्रंट भी हमारे अंदर जिला कचहरी के अंदर था। और हम ये भी मुतालबा करते हैं और वार अख्तियार से कि हमारी को जिला कचहरी को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्रांच वापस दी जाए। और यूटिलिटी स्टोर का एक ऑफिस था यहाँ पर, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो पहले था उसको दोबारा बहाल किया जाए। वो लिटिगेंट के लिए, वकला के लिए, वकला के फैमिलीज के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी थी जो ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद पार्किंग का मसला है। रोड के ऊपर गाड़ियाँ हम नहीं खड़ा करना चाहते, हम चाहते हैं कि आवाम को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल फ्रंट के ऊपर तकरीबन 20 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, वुमेन यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई है, हमें डे टाइम जो है ना उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, हम गाड़ियाँ वहाँ पार कर सकते हैं। सिविल लाइन कॉलेज के अंदर 4 ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, मिट्टी उड़ रही है, हमें डे टाइम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, वहाँ हम गाड़ियाँ पार कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर पुलिस लाइन की जगह 200 कनाल खाली पड़ी हुई है, 4 ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, वो हमें दिए जाए, हम पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें कि चेहरी का मसला 100% हल हो जाएगा। हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है ना वो उस वक्त जब बनाई गई थी उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, अब कंजेशन हो गया। हाई कोर्ट का मसला भी जो है ना वो ये है कि आप वहाँ पर तकरीबन 11 अदालतें हैं, अदालतें हमें मजीद चाहिए, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो बिल्डिंग आपको नाकाफी है। अब बिल्डिंग के लिए मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब ने हाई दरमियान वाला हाईवे वाला ऑफिस और हाईवे की कॉलोनी को एक्वायर करने की समरी भेजी है चीफ साहब ने, अल्लाह करे वो मंजूर हो जाए और बुकला का मसायल हल हो जाए। नंबर 2, कैंट बोर्ड मुल्तान ने हाई कोर्ट के बाहर वाली रोड आज खुद कब्जा करके उसको ठेके पे दे दिया है। बुकला के लिए वो बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप गाड़ियाँ खड़ी करें तो उनको कैंट बोर्ड मुल्तान के ठेकेदार को पैसे देने पड़ते हैं। उसकी कोशिश कर रहे हैं कैंट बोर्ड के सीओ का है कि आप मेहरबानी करें, ये इलीगल एक्ट है, शार आम रोड को आप बंद करके किराए पर नहीं दे सकते।
उन्होंने ठेकेदार के ऊपर 15 लाख रुपए सालाना का ठेका दिया हुआ है, हम उसको भी रजिस्टर कर रहे हैं और वो भी हमारे लिए मसला है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करना मसाइल का बात बनता है, फ्यूचर में जो है ना वो सिक्योरिटी रिस्क का मसाइल बन सकता है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें पार्किंग के लिए जगह वहाँ दी जाए। ये चंद मसाइल हैं। और एक और मसला बहुत ज्यादा है कि मुल्तान पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बात है, मगर आज तक बुकला ये तोने नहीं। हम अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बुकला हो यहाँ पर सोसाइटी बनाकर कॉलोनी के लिए जगह अवेलेबल कराई जाए। हमने स्ट्रगल की, 3 मुरबा जमीन हमने जो वहाँ पर ट्रेस की वो हमने उसके एग्जीक्यूटिव बॉर्डर के लिए सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट की, आज तक वो नहीं हुआ। इस वक्त भी 3 मुरबा जमीन खाली पड़ी है, वहाँ पर हम अरबाब इख्तियार को कहते हैं खसूस वजी पंजाब से कि वहाँ पर जो हमें एग्जीक्यूटिव बॉर्डर के जरिए वो 3 मुरबे जमीन बुकला की कॉलोनी के लिए मुख्सस की जाए, हम उसको सोसाइटी बनाकर हम पे करेंगे, मुफ्त नहीं लेंगे सरकारी जमीन। बुकला के लिए फैसिलिटेशन हो जाएगी, उनके बच्चों के लिए फैसिलिटेशन हो जाएगी, उससे फ्यूचर का फसल हो जाएगा। इसी तरह बुकला के और मसाइल हैं जिसमें उनका मेडिकल का प्रॉब्लम है, ये चंद मसाइल हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और बहसीत वाइस प्रेजिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, मैं अपने रीजन के साथ रिक्वेस्ट हूँ, मैं अपने रीजन के बुकला के लिए जान की बाजी तक लगा दूंगा। नंबर आखिरी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम तकरीबन 4 साल से हम जो है ना बुकला मुल्तान बुकला रीजन के लिए जनूबी पंजाब के लिए आज़ाद खुद मुख्तियार सूबा और आज़ाद खुद मुख्तियार हाईकोर्ट का मुकाबला करते चले आ रहे हैं। अब हम उसको दोबारा उसको इनिशिएट करते हुए इसके लिए हम एक लाहमा सोचेंगे। इनफ इज इनफ। पीटीआई गवर्नमेंट ने वादा किया था जनूबी पंजाब के सूबे का 100 दिन में सूबा बनाया जाएगा, आज उनको 8 महीने होने को है, इसे बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? ये महरूम इलाके हैं, वहाँ पर जो है ना अपर पंजाब ने वहाँ पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन की हुई है, अपर पंजाब में पर कैपिटा खर्चा ज़्यादा करते हैं, जनूबी पंजाब में पर कैपिटा नील बटे नील को तरक्की आदि काम है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो बनाते नहीं है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी मेट्रो बना के हमने वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की है, आज मेट्रो के खाली बसें पूरे हिंदुस्तान में खाली बसें चल रही हैं, कोई टिकट लेके नहीं बैठ रहा। इसके लिए हम ये अरबाब इख्तियार से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद खुद मुख्तियार हैं अपने मुआशी मामला हल करने में, हम वफाक का हिस्सा हैं, मगर जनूबी पंजाब महरूम तबका है, यहाँ पर तरक्या के काम नहीं हुआ, सेंट्रल पंजाब में हुआ है या अपर पंजाब में हुआ है। हम अरबाब इख्तियार से खास तौर पर पीटीआई की सूबाई गवर्नमेंट और वफाई गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर जनूबी पंजाब में सूबा बनाया जाए और जनूबी पंजाब का अलग हाईकोर्ट किया जाए।